66 साल की हो चुकी है लेकिन बढ़ती उम्र का असर उन पर दिखता ही नहीं है। देखा जो आए तो बॉलीवुड में एक ऐसे रहस्य कही जाती है रेखा। हर कोई जानना चाहता है रेखा का रास, माया नगरी की माया का रहस्य। जब जब रेखा किसी फंक्शन या पार्टी में सिंदूर लगाकर पहुंचती है तो हर कोई यही सोचता है कि रेखा ने किसके नाम का सिंदूर लगाया है। आपको बता दें कि रेखा का प्यार, रेखा का घर और यहाँ तक कि रेखा की शादी भी एक राज रही। फिलहाल रेखा की जिंदगी में कोई प्यार है या नहीं ये तो वो ही जाने, लेकिन हमेशा रेखा अपनी मांग में सिंदूर लगाए दिखती हैं और लोग जानना चाहते हैं कि आखिर रेखा किसके नाम का सिंदूर अपनी मांग में सजाती हैं। आपको बता दिए रेखा का अमिताभ से क्या रिश्ता रहा है ये किसी से छुपा नहीं। साल 1980 में भी रेखा दिल ही दिल में चाहती थी कि अमिताभ जमाने के सामने कम से कम इस रिश्ते की बात तो करें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और फिर एक दिन रेखा नजर आई एक ऐसे अंदाज में जिसे देखकर पूरी फिल्म इंडस्ट्री हैरान रह गई। आपको बता दें साल 1980 की बात है, मौका था अमिताभ, ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी का। आमतौर पर शादी में सबका ध्यान दूल्हा दुल्हन की तरफ ही होता है, लेकिन जैसे ही रेखा इस फंक्शन में आई हर किसी की नजरें उनकी तरफ मुड़ गई, क्योंकि किसी शादीशुदा महिला की तरफ रेखा अपनी मांग में सिंदूर भरकर आई थी। हर कोई रेखा की मांग में भरे सिंदूर को हैरत से देख रहा था। उसी समारोह में दबी जुबान में बातें होने लगी, सवाल उठने लगे कि क्या रेखा ने अमिताभ से शादी कर ली है। वहीं बता दें उस रात की तस्वीरें कई मैगजीन में भी छपी, लेकिन इन सवालों के जवाब में रेखा ने खुलकर कभी कुछ नहीं कहा और ये राज ही रहा। बॉलीवुड सूत्रों की माने तो रेखा अपने उस प्यार के नाम का सिंदूर लगाती हैं जिसके लिए वो पिछले 35 सालों से तड़प रही हैं। तो कोई कहता है कि रेखा सिर्फ अपनी खूबसूरती बढ़ाने के लिए लगाती हैं। सच क्या है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन जब जब वो अपनी मांग में लाली भर कर निकलती हैं अफवाहों का बाजार गर्म हो जाता है। आपको बता दें कि रेखा को ना तो पिता का प्यार मिला और ना ही उसका प्यार नसीब हुआ जिसे उन्होंने चाहा। रेखा ने जब भी दिल लगाया हमेशा टूटा उनका भरोसा। रेखा का यूं तो सबसे चर्चित अफेयर अमिताभ के साथ रहा, लेकिन इसके अलावा उनकी जिंदगी में कई बार प्यार आया और गया। एक के बाद एक रेखा की जिंदगी में चाहने वाले आए तो गए, लेकिन कोई उनका सहारा ना बन सका। इन अफसानों में रेखा तो अकेली रही लेकिन साथ ही बदलते रहे। विश्वजीत, नवीन निश्चल, विनोद मेहरा, किरण कुमार, जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, संजय दत्त और यहाँ तक कि अक्षय कुमार से भी जुड़ा रेखा का नाम, लेकिन रेखा की जिंदगी में कोई प्यार टिका नहीं। आपको बता दें 1990 में रेखा ने बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी रचाया, लेकिन 3 महीने में ही टूट गई ये शादी। दोनों ने तलाक ले लिया। इसके कुछ ही दिन बाद मुकेश अग्रवाल ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। इस घटना में चौंकाने वाली बात ये रही कि मुकेश ने फांसी का फंदा रेखा के दुपट्टे को बनाया था जिस पर रेखा का नाम भी लिखा था। इसे लेकर कई तरह की चर्चाएं हुई। यहाँ तक आरोप लगे कि मुकेश की खुदकुशी के पीछे रेखा और उनके साथ साई की तरह चलने वाली पर्सनल सेक्रेटरी फरजाना बनी इनका हाथ है। रेखा पिछले काफी सालों से मुंबई से अपने बांद्रा वाले घर में अकेली रहती आई हैं। रेखा की निजी जिंदगी को उनकी सेक्रेटरी फरहाना के अलावा कोई नहीं जानता। आखिर क्यों बनी हुई है उनकी जिंदगी राज, आज तक बॉलीवुड में किसी को समझ में नहीं आया। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ साधिका कौर।